हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टर एंड मिसेस एलएलबी के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 9, और सेक्शन 9 के अंदर हम बात करने वाले हैं क्या सेक्शन 9 की कार्रवाई से पत्नी या पति को साथ रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है। आज हमारा टॉपिक ये है, लेकिन इससे पहले हम सेक्शन 9 को जान लेते हैं वो क्या है। हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के सेक्शन 9 में प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई पार्टी जिनमें पति या पत्नी हो सकते हैं में से कोई भी एक बिना किसी कारण के अलग रहना शुरू कर देता है तो दूसरा पक्षकार जो है वो कोर्ट में सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल कर सकता है कि उसके हक में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का ऑर्डर किया जाए। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि पार्टी के पास अपने पति या पत्नी से अलग रहने के लिए कोई रीज़न आधार नहीं है तो कोर्ट उसे अपने पति या पत्नी के साथ रहने का ऑर्डर पास कर सकती है, मतलब रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री पिटिशनर के हक में पास कर सकती है। अब हम बात करेंगे जो सेक्शन 9 का प्रोविज़न है वो पति पत्नी में से कौन जो है पिटिशन फाइल कर सकता है। तो जो सेक्शन 9 का प्रोविज़न है पत्नी और पति दोनों के लिए अवेलेबल है, और दोनों में से कोई भी पिटिशन फैमिली कोर्ट के अंदर फाइल कर सकता है। अब हम कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सेक्शन 9 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है हमारा, तो उसके अनुसार उचित है या नहीं। सेक्शन 9 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, होनेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट से डिग्री पास होने के बाद क्या किसी पार्टी को बाध्य किया जा सकता है साथ रहने के लिए, कि ज़बरदस्ती मतलब उसको ऑर्डर कर दिया कोर्ट ने कि भी आप साथ में रहो, तो बाध्य किया जा सकता है। इन पॉइंट्स के ऊपर आगे हम बात करने वाले हैं। अगर हम संविधान की बात करें, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो जो हमारा संविधान है वो सभी व्यक्तियों को राइट टू लिबर्टी और डिग्निटी की गारंटी देता है। अब सेक्शन 9 की अगर बात करी जाए, अगर कोई पति या पत्नी में से दोनों में से कोई एक, ठीक है, कोई साथ ना रहना चाहता हो तो क्या उसके ऊपर जोर देकर उस व्यक्ति की लिबर्टी और डिग्निटी और प्राइवेसी को ख़त्म भी नहीं किया जा सकता, तो कॉन्स्टिट्यूशन की वॉलेशन होगी अगर फोर्स किया जाएगा। लेकिन साथ में ये बात भी है कि सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1956 का जो प्रोविज़न है वो भी एक लीगल कानून है जिसका पालन करना भी सभी की ड्यूटी है, कि कोई भी कानून अगर बनाया गया है तो उसकी रिस्पेक्ट करना, उसे मानना हमारी ड्यूटी होती है। और अब हम जनरल तौर पर एक बात आपको कहना चाहते हैं, बता रहे हैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ये भी पता है कि किसी कानून का पालन ना करने पर आपके अंगेंस्ट कार्रवाई भी हो सकती है। अब वो कार्रवाई अलग अलग तरीके की होती है, किसी में फ़ाइन लग जाता है, ठीक है, मतलब हम आपको एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, या सज़ा होती है, केस चलता है, ठीक है, क्योंकि कानून बना है तो उसके टूटने पर क्या नुकसान किसी का होगा, मतलब इसमें ये भी बताया जाता है ना, कोई भी कानून बनता है, जैसे आपने चोरी करी तो उसमें क्या होगा कि चोरी करी है आपके ऊपर चोरी का केस चलेगा। फिर और क्या होता है, अगर आप कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया, कोई स्टे कर दी और आप स्टे को नहीं मानते तो क्या होगा, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट चल सकती है। वैसे सेक्शन 9 जो है, अगर इसका ऑर्डर कोर्ट किसी पार्टी के हक में कर देती है, अगर उसे पार्टी नहीं मानती दूसरी, तो उसमें क्या कार्रवाई होती है, तो वो हम भी आपको बताने वाले हैं आगे। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 9 का जो ऑर्डर है वो किसी के ऊपर, मतलब उसे फोर्स नहीं किया जा सकता, उसे दबाव नहीं बनाया जा सकता कि आप ज़बरदस्ती उसके साथ रहो। अब इसके लिए कुछ बातें जानना ज़रूरी है कि सेक्शन 9 की नेचर क्या है सबसे पहले तो, और दूसरा अगर कोई कानून हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत हो, मतलब अंगेंस्ट है, तो कानून वो चलने लायक होगा या नहीं। अब सेक्शन 9 को कॉन्स्टिट्यूशनल जो है के आधार पर ना होने के लिए कई बार चैलेंज भी करा जा चुका है। सेक्शन 9 का जो प्रोविज़न है हमारे संविधान के आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन है। इस मुद्दे पर अलग अलग हाई कोर्ट्स ने अपने अलग अलग डिसीजन दिए हैं। कहीं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया सेक्शन 9 जो है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करता है, ठीक है, और कहीं पर नहीं कहा गया। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट 1562 श्रीमती सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन के चड्डा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 9 की डिग्री का उद्देश्य शादी को हो चुके जो पक्ष हैं उनको साथ रहने के लिए प्रेरित करना है, केवल प्रेरित करना मात्र है। सेक्शन 9 की डिग्री का ये मतलब नहीं है कि अगर कोई पक्षकार एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहता तो भी उसे बाध्य किया जाए, ठीक है, तो मतलब ये नहीं है कि उसे बाध्य किया जाएगा।
इस प्रकार सेक्शन 9 की जो डिग्री केवल पार्टी को साथ में रहने के लिए प्रेरित करने मात्र है, फोर्स करना नहीं है या फिर उसे बाध्य करना नहीं है, सिर्फ उसे प्रेरित करना मात्र है। ये प्रोविज़न कोई भी पार्टी है उसे फोर्स करना मतलब साथ में रहने के लिए फोर्स करना नहीं है, नहीं माना जा सकता, और किसी की प्राइवेसी ख़त्म करना नहीं कहा जा सकता सेक्शन 9 का जो प्रोविज़न है उसको। सेक्शन 9 के अंदर जो डिग्री पास होगी तो उसे कंपेल करने के लिए भी नहीं कहा जा सकता पार्टियों के साथ में रहो, और ना ज़बरदस्ती उस जो डिग्री है उसे, उसका जो ऑर्डर हुआ है उसे इम्प्लीकेट करने के लिए मतलब नहीं कहा जा सकता, फोर्स करके बाध्य नहीं किया जा सकता पार्टीज़ को। लेकिन होनेबल सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद इस मुद्दे को और भी ज़्यादा उठाया जाने लगा। अगर सेक्शन 9 की डिग्री की पालना के लिए पार्टी को फोर्स नहीं किया जा सकता तो इस प्रोविज़न को क्यों मतलब ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा प्रोविज़न भी नहीं होना चाहिए, इस तरह से इसको उठाया गया। 2019 में फिर सुनवाई के लिए मतलब सेक्शन 9 से रिलेटेड एक ऐसा मुद्दा आया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसे, इस मैटर को 3 जजिस की बेंच को रेफर भी कर दिया, और ये मैटर जो है अभी पेंडिंग है, अभी इसमें डिसीजन आना है। अब अगला क्वेश्चन जो होता है वो ये है कि सेक्शन 9 की पिटीशन जो है वो फाइल क्यों की जाती है और इसका बेनिफिट क्या है। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि अगर कोई पार्टी सेक्शन 9 की एप्लीकेशन फ़ाइल करती है, ठीक है, और पति या पत्नी में से कोई अलग रह रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पत्नी अलग रह रही है पति से और वो साथ नहीं रहना चाहती, और पति जो है सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल कर देता है कि मेरे साथ आगे रहो आप, मेरे हक में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री पास की जाए, कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है, और अगर जो है कोर्ट उसके हक में पास कर देती है तो जो वाइफ है वो मेंटेनेंस पति से नहीं ले सकती, क्योंकि अगर वो साथ रहना चाहती है तब भी मेंटेनेंस ले सकती है, अगर वो बिना किसी कारण के अलग रह रही है तो मेंटेनेंस का राइट ख़त्म हो सकता है। जब पत्नी पति से बिना किसी कारण के अलग रहते हुए कोई केस डाल देती है पति के ऊपर या कुछ और कर देती है, तो पति क्या करता है, सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल कर देता है, क्योंकि अगर कोर्ट सेक्शन 9 की डिग्री पति के हक में जारी कर देती है तो मेंटेनेंस के केस में अपना बचाव वो कर सके, मतलब जो हस्बैंड है। और दूसरा ये कि अगर शादी के बाद कोई पक्षकार अगर अलग रह रहा है और साथ में रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और तलाक के लिए भी कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, कोई ग्राउंड नहीं है, मतलब क्योंकि डाइवोर्स के लिए भी कुछ ग्राउंड्स होते हैं, जैसे किसी के साथ क्रूएल्टी हुई है कुछ, या फिर डिसर्शन हो गया, या फिर कोई अडल्ट्री है, या फिर कोई और ऐसा ग्राउंड है मेडिकल ग्राउंड कि वो डाइवोर्स ले सकते हैं मतलब उस ग्राउंड के ऊपर, और इस तरह का कोई रीज़न भी नहीं है, और झूठा केस भी फाइल नहीं करना चाहता कोई, ठीक है, तो क्रूएल्टी भी नहीं हुई, लेकिन सिर्फ क्या हुआ जो वाइफ है वो अलग रहने लग गई है, तो क्या करेगा हस्बैंड जो सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल करेगा और वाइफ फिर भी उसके साथ आके नहीं रहेगी तो कोर्ट उसके हक के अंदर डिग्री पास कर देगी। डिग्री पास होने के बाद एक साल के बाद जो हस्बैंड है वो डाइवोर्स भी फाइल कर सकता है इसी ग्राउंड के ऊपर कि मैंने सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल की थी, डिग्री मेरे हक में हो गई है और उस डिग्री पास होने के एक साल तक मेरी वाइफ मेरे साथ आके नहीं रही और इसी ग्राउंड पे मुझे डाइवोर्स दिया जाए, इसका प्रोविज़न भी सेक्शन 13 के अंदर दिया गया है। और इस तरह के डाइवोर्स केस के लिए मतलब किसी और आधार की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ग्राउंड है, एक अवेलेबल है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कि आप डाइवोर्स ले सकते हो इस ग्राउंड के ऊपर भी। और मैं बता देता हूँ सेक्शन 9 के बारे में, जो काफ़ी सारे देश हैं वो सेक्शन 9 की तरह जो उनके वहाँ पर प्रोविज़न थे वो ख़त्म भी कर चुके हैं, इस प्रोविज़न को हटा दिया गया है और हमारे यहाँ पर अभी पेंडिंग है, और देखते हैं अब इसमें क्या रिज़ल्ट होगा, अगर हटेगा तो हट भी सकता है और रहेगा तो रह भी सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वैसे पहले वाले केसों के अंदर ये कहा है कि जो सेक्शन 9 है वो किसी के ऊपर बाध्य नहीं है, ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी उसको आर्टिकल को वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये सिर्फ एक पार्टीज़ को एक समझाने वाली बात है, एक तरह से मतलब प्रेरित करना है कि आप साथ में रहिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस है आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो किसी और टॉपिक के ऊपर होगी। वैसे हम सेक्शन 9 के ऊपर और वीडियोस भी लेके आएंगे अगर हमें लगेगा कि सेक्शन 9 को हम अच्छे से कवर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।